हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है ए टू जेड मार्केटिंग सीरीज और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सेलिब्रिटी मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, सेलिब्रिटी मार्केटिंग में हम सेलिब्रिटीज को अप्रोच करते हैं, उनसे अपना प्रोडक्ट एंडोर्स कराते हैं एंड जो भी हमारे एड कैंपेन्स होते हैं हम उन सेलिब्रिटीज का यूज़ करते हैं। एंड सेलिब्रिटी मार्केटिंग में हम ये दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि सेलिब्रिटीज भी हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। सेलिब्रिटी मार्केटिंग में हमारा मेन एम ये होता है कि हम उस सेलिब्रिटी को यूज़ करके अपने ब्रांड के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों को बता सकें कि हमारी ऐसी ब्रांड है, अपने आप को कॉम्पिटिशन से थोड़ा अलग कर सकें एंड एक प्रॉपर ब्रांड इमेज क्रिएट कर सकें, ब्रांड परसेप्शन क्रिएट कर सकें अपने कस्टमर के माइंड में। इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जो सेलिब्रिटी के हमारे फॉलोवर्स हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो सारे फॉलोवर्स हमारे कस्टमर्स बनेंगे एंड वो हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो सारी की सारी ब्रांड्स सेलिब्रिटी मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च करती हैं, क्योंकि अब तक ये देखा गया कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी जिसको आप बहुत फॉलो करते हो वो आपसे कुछ करने को कह रहा है, तो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं कि वो चीज़ कर लें। बहुत बार ये देखा गया कि अगर कोई छोटी ब्रांड है जिसको लोग ज़्यादा जानते नहीं है, अगर कोई सेलिब्रिटी उसके बारे में कुछ बोल दे या उसकी प्रोडक्ट्स यूज़ कर ले तो कंज्यूमर्स भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा इमेज होती है कि जो वो लोग कर रहे हैं ना हमें भी उनकी तरह करना है, हम भी वैसे ही करेंगे। अगर सलमान खान कोई चीज़ कर रहा है, वो ब्रेसलेट पहन रहा है, तो हम भी वही ब्रेसलेट पहनेंगे। तो जो मार्केटर्स होते हैं वो हमारी यही साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं एंड वो डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को हमारे प्रोडक्ट्स देते हैं, उनको कहते हैं कि आप यूज़ करके दिखाओ लोगों को कि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो। सेलिब्रिटी मार्केटिंग के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और हम जहाँ देखें हमें वहाँ एग्जाम्पल दिख जाएंगे, बट फिर भी हम जो स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं वो इस वीडियो में लेते हैं। जैसे 1984 में माइकल जॉर्डन ने नाइक के साथ एक डील साइन करी एंड एक अलग टाइप के शूज़ निकाल दिए, जॉर्डन्स। और अगर आप आज देखें तो नाइक के बाकी शूज़ हैं उनकी डिमांड अलग है और जॉर्डन्स की डिमांड एकदम अलग है। लोग आज भी जॉर्डन्स के लिए ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं और कभी कभार तो इन शूज़ की जो रीसेल वैल्यू है, जो कंपनी ने कंज्यूमर को बेचा उसके बाद अगर कंज्यूमर किसी और को आगे बेचे तो रीसेल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाती है। ये ऐसे शूज़ हैं जिनकी वैल्यू बढ़ जाती है टाइम के साथ। तो ऐसी इमेज क्रिएट कर ली है जॉर्डन ने कंज्यूमर्स के माइंड में, क्योंकि जो माइकल जॉर्डन जो हमारे बास्केटबॉल प्लेयर है जिनके ऊपर ये पूरी एक अलग सीरीज निकाली गई, लोग उनको एक आइडियल मानते हैं, इसलिए हमारी जॉर्डन्स की भी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। और आज तक अगर देखा जाए तो माइकल जॉर्डन को इस डील से $1.3 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, जो इंडियन करेंसी में 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। एंड इस डील के बाद नाइक को भी बहुत प्रॉफिट हुआ एंड माइकल जॉर्डन को भी बहुत प्रॉफिट हुआ। सेलिब्रिटी मार्केटिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस सेलिब्रिटी से अपना प्रोडक्ट इंडोर्स करा रहे हैं उसके जो भी फॉलोवर्स हैं एंड जो हमें लग रहा है जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं वो एकदम सेम होने चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो जो भी कंपनी का मार्केटिंग कैंपेन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे हमारा अंडर आर्मर का करंट ब्रांड एम्बेसडर है ड्वेन जॉनसन, द रॉक के जितने भी फॉलोवर्स हैं वो सारे फिटनेस से रिलेटेड है, द रॉक को फॉलो उनकी फिटनेस की वजह से करते हैं। एंड जो अंडर आर्मर के प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं वो फिटनेस एंथुजियास्ट है, क्योंकि अंडर आर्मर पूरी फिटनेस रिलेटेड ब्रांड है, तो वही चाहते हैं कि जो भी बंदा फिटनेस से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहा है वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करे। तो जब लोगों ने देखा कि द रॉक हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, किसी एथलेटिक कंपनी के बारे में बता रहे हैं, तो लोगों ने उनको फॉलो किया एंड अंडर आर्मर की स्केल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 2016 में उनका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ड्वेन जॉनसन और अंडर आर्मर का एंड 2021 हो गई है, अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आगे भी वो चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है सेलिब्रिटी मार्केटिंग। इंडिया के अंदर भी सेलिब्रिटी मार्केटिंग बहुत यूज़ होती है, जैसे हमारे ऋतिक रोशन की ब्रांड HRX, ये सलमान खान जिस ब्रांड के साथ इन्वॉल्व है बीइंग ह्यूमन, उन सब में वो अपनी ब्रांड इमेज यूज़ कर रहे हैं उस ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जैसे जो बीइंग ह्यूमन है, सलमान खान का जो एक्चुअल शेयर है उस कंपनी में वो बहुत थोड़ा सा है, बट स्टिल हमेशा वो उसकी ऐड करता रहता है, उसके प्रोडक्ट्स वेयर करता है, तो लोग कहते हैं अगर इस कंपनी की टी शर्ट सलमान खान ने पहनी है तो हम भी पहनेंगे, इसलिए बीइंग ह्यूमन के प्रोडक्ट्स चाहे थोड़े महंगे हैं फिर भी उसकी इतनी सेल हो रही है। सेलिब्रिटी मार्केटिंग कराने से हमारी ब्रांड की एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, वो कंपटीशन से एकदम अलग हो जाती है एंड हमारी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बट अगर सेलिब्रिटी मार्केटिंग के अंदर जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर जिसको हम चूज़ कर रहे हैं उसकी टारगेट ऑडियंस हमारी टारगेट ऑडियंस की तरह सेम नहीं है, तो कभी कभार बहुत बड़े डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम करंटली देखें तो शाहरुख खान ने भी विमल को प्रमोट करना शुरू कर दिया, बट जो शाहरुख खान के फॉलोवर्स हैं मे बी वो लाइफ में कभी विमल का यूज़ ना करें। हाँ, इससे ये ज़रूर होगा कि विमल की ऐड हो जाएगी, विमल की बढ़िया सी मार्केटिंग हो जाएगी, बट जो शाहरुख खान के एक्चुअल फॉलोवर्स हैं मे बी वो विमल यूज़ करना ना शुरू करें एंड मे बी वो लोग जुबा के इसलिए बोलना शुरू ना कर दें। तो ये तब हो जाता है कि जब कंपनी ऐसे किसी बंदे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है
जिसके जो फॉलोवर्स हैं वो उसके एक्चुअल कस्टमर्स की तरह मैच नहीं करते। बट आजकल सेलिब्रिटी मार्केटिंग में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं एंड बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ब्रांड डायरेक्टली उनको अप्रोच कर रही है। कई कई इन्फ्लुएंसर थोड़े स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं कि हमें मनी के साथ साथ आपकी ब्रांड में कुछ इक्विटी भी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा कर रहे हैं, वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं एंड जो कंपनी उनका प्रोडक्ट प्रमोट करा रही है उसी में वो एक शेयर एक्वायर कर लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि जैसे स्टार्टअप कल्चर इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो जो उनकी छोटा सा इक्विटी है जो अभी के जो अमाउंट वो ले रहे हैं उसकी इक्विवेलेंट है, वो इक्विटी बाद में जाके बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत बार ब्रांड्स ऐसा करती है कि वो इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करती हैं और उनको बहुत सारी वीडियोस बनाने को कहती हैं उनके प्रोडक्ट के ऊपर या उनकी कंपनी के ऊपर। तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे जैसे वो अपनी वीडियोस इंक्रीज करेंगे, कि जैसे अगर किसी बंदे ने 5 वीडियोस डाली तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न अपनी फर्स्ट वीडियो से मिलेगा एंड जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ती रहेंगे, जैसे जैसे प्रमोशन आगे बढ़ते रहेंगे, आपके रिटर्न्स कम होते रहेंगे। सपोज़ आपने एक्स यूट्यूबर को अपना प्रोडक्ट दे दिया प्रमोट करने के, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो डाली होगी उसमें बहुत लोगों को पता चलेगा आपके ब्रांड के बारे में एंड मे बी वो उस इन्फ्लुएंसर की बात सुन के आपके ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद ले। बट जब वो इन्फ्लुएंसर सेकंड वीडियो डालेगा तो जो लोग उनकी वीडियो देख रहे हैं वो पहले से आपके एक बार वीडियो देख चुके हैं, तो आपको इतने ज़्यादा इंप्रेशंस नहीं आएंगे जितने आपको फर्स्ट वीडियो में। तो हमेशा जो आपका रिटर्न होगा वो इसमें नेगेटिव रिटर्न जा सकता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फ्यूचर में करा रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। थैंक यू।